हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर पजल। नंबर पजल का पहले हम मतलब देखते हैं कि होता क्या है। हमारे पास एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास कोई भी शेप में या कुछ भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक मिसिंग नंबर हमको फाइंड करना होता है। तो वही मिसिंग नंबर आज हम निकालेंगे। कैसे हमें निकालना है, कैसे इसमें क्या लॉजिक लगेगा, सबसे पहले सिंपल से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है और एक यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये जो लोअर नंबर है 7+9 माइनस अपर नंबर, तो 7+9 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12, यानी लोअर नंबर को ऐड करके उसमें से अपर नंबर सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। सेम कंडीशन यानी 1+4 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। उसके बाद 6+5 इज 11 माइनस 2, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो मिसिंग नंबर होगा वो होगा आपका 9। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए था वो आंसर होगा वो 9। तो चलिए हम एक ऐसा ही कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हेयर इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको नंबर फाइंड करना, मिसिंग नंबर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे 7, 9, 11, 13, 15, 17, 4, 7, 10, 13, 16, 19। दिमाग में खुद ही क्लिक कर जाता है कि यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो दो 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 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो 7, 4 और 7, 3, 3, 3, ओके, ऐसे ये गैप चल रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो 1, 5 यानी 4, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे भी हमारा 4 आना चाहिए। यहाँ पे हम गैप देखेंगे तो 5, 5 का गैप आ रहा है, यानी 2, 3, 4, 5, इस तरीके से गैप बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5, 9, 9 के बाद 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13, 13। तो इस क्वेश्चन का जो मिसिंग नंबर था वो था हमारे पास 13। जब इतना बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन दिखता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने में और दिमाग लगाने में टाइम लगने लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। जस्ट कुछ नहीं था, इतना बड़ा क्वेश्चन था और बस कुछ नहीं था उसमें कि हमने जो ऐड किया वो प्लस 4 किया है। इसी तरीके की और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।